आपने माइक टाइसन के बारे में सुना होगा, एक समय के बिलियनर, और अपने आखिरी समय में उनके पास अपने हाउस होल्ड्स के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वास्तव में किसी भी इंसान को अमीर या गरीब उसके हालात नहीं बल्कि उसका माइंडसेट बनाता है। आपने कई बार देखा होगा 20,000 की सैलरी वाले कुछ लोग 70,000 का आईफोन अपने पास रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप लगातार ऐसा ही करते रहेंगे तो यकीन जानिए अमीर बनने का एक ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। दोस्तों, वास्तव में अमीर और गरीब के बीच का फर्क मनी से नहीं बल्कि वेल्थ से डिफाइन होता है। जिनके पास अमीरों वाला माइंडसेट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग था, उन्हें पैंडमिक ने हिट तो किया पर उतनी बुरी तरह से नहीं जितनी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग वालों के पास। इनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए कोई एम्बिशन नहीं होता और नतीजा ये कभी भी उस पायदान पर नहीं पहुंच सकते जहां पर ये अमीर पहुंचता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग जिन्हें बिना मेहनत किए हुए कई बार बहुत सारा पैसा मिल जाता है, फिर आप देखते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कुछ समय के लिए चेंज हो जाती है, पर कई सालों के बाद आपको पता चलता है कि वो इंसान अपना सारा का सारा पैसा गंवाकर वापस वही पुरानी गरीबों वाली लाइफस्टाइल जी रहा है। इनमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं। मिसाल के लिए आपने माइक टाइसन के बारे में सुना होगा, एक समय के बिलियनर, और अपने आखिरी समय में उनके पास अपने हाउसहोल्ड्स के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। या फिर विनोद कॉम्बली, जिनके बारे में आपको पता होगा कि वर्तमान समय में उनकी पर मंथ की सैलरी तकरीबन 30,000 के आसपास है। आपने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में सुना है जो अपने आखिरी वक्त में बेहद गरीबी में मरे, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ऐसा किसी के साथ होता क्यों है? हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक लिमिट से ज्यादा पैसा आ जाए तो हमें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आखिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग जो पहले गरीबी में रहे और अचानक उनके पास इतना सारा पैसा आने के बावजूद वो उस पैसे को संभाल नहीं पाते और दोबारा फिर से सारा पैसा गंवाकर वापस गरीबी में जीने को मजबूर हो जाते हैं? अगर इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। वास्तव में किसी भी इंसान को अमीर या गरीब उसके हालात नहीं बल्कि उसका माइंडसेट बनाता है। जी हाँ, माइंडसेट। ये वो सबसे पहली प्रायोरिटी है जो किसी भी गरीब इंसान को अमीर बनने के लिए जरूरी है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी ही मेंटेलिटीज के बारे में, कुछ ऐसे माइंडसेट्स या फिर आइडियाज या फिर सोचने का तरीका जो एक इंसान को गरीब और दूसरे इंसान को अमीर बनाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक माइंडसेट भी है तो यकीन जानिए आप एक लोअर मिडिल क्लास या फिर एक एवरेज मिडिल क्लास से बढ़कर एक अपर मिडिल क्लास या फिर अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को जरूर पा सकते हैं। तो आइए देखें वो कौन से 5 माइंडसेट्स हैं जो एक गरीब को एक अमीर से अलग करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है 50-30-20 का। इसका मतलब है कि आप अपने पर मंथ जो भी कमाते हैं उसमें से 50% अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च कीजिए, 30% अपने शौक पर और कम से कम 20% अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको खर्च करना ही चाहिए। यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक गरीब को एक अमीर से अलग करता है। एक गरीब इंसान अपनी पर मंथ सैलरी आते ही सबसे पहले अपने खर्चों के बारे में सोचता है। अपने दैनिक खर्चे पूरे करने के बाद वो अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है। इन सब पर खर्च होने के बाद जितना पैसा बचता है वो सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाता है। आपने कई बार देखा होगा 20,000 की सैलरी वाले कुछ लोग 70,000 का आईफोन अपने पास रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर यदि आप लगातार ऐसा ही करते रहेंगे तो यकीन जानिए अमीर बनने का एक ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। ये फर्क है एक अमीर और गरीब में। एक गरीब इंसान अपनी सैलरी पाते ही सबसे पहले अपने खर्चों के बारे में सोचता है, वहीं दूसरी ओर एक अमीर इंसान सैलरी आते ही सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। एक अमीर इंसान अपने पैसे का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें से बचे हुए पैसे को अपनी जरूरत और अपने शौक पर खर्च करता है। नंबर 2, अमीर पैसे से ज्यादा टाइम को वैल्यू देते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादातर अमीर लोग अपने काम को दूसरों से करवाने पर ज्यादा यकीन रखते हैं? वे ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रेन फ्री रखना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोच सकें, बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकें और उन आइडियाज पर काम कर सकें। वहीं एक गरीब इंसान एक एक पैसा बचाने पर फोकस करता है
चाहे उसके लिए उसे फिजिकल एक्सर्शन की लिमिट तक ही क्यों ना जाना पड़े। यही फर्क है एक अमीर और एक गरीब इंसान में। वास्तव में अमीर एक कॉन्सेप्ट को जानता है और वो ये है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा रिसोर्स उसका ब्रेन है। आप जितना अपना ब्रेन इस्तेमाल करेंगे आपके पास पैसे कमाने के जरिए उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जहां पर कि एक गरीब इंसान अपना पूरा समय फिजिकल एक्टिविटीज में लगा देता है, वहीं अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने ज्यादातर काम दूसरों से करवाता है। वो अपने पैसे से ज्यादा अपने समय को इंपॉर्टेंस देता है। जितना ज्यादा खाली समय इस इंसान के पास रहता है वो उतना ही ज्यादा भविष्य के लिए प्लानिंग बना सकता है। ज्यादा प्लानिंग्स उसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करती हैं। नतीजा उसके पास और भी ज्यादा पैसे कमाने के मौके होते हैं। तो अगर अभी तक आप अपना ज्यादातर समय फिजिकल एक्टिविटीज में लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने उन कामों को ऑटोमेशन करने की जिन्हें आप दूसरों से करवा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करने की कोशिश कीजिए। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अमीर इंसान जब अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो वो ज्यादातर ड्राइवर्स हायर करते हैं। वे अपनी गाड़ी में भी अपने बिजनेस के बारे में सोचने, पढ़ने और भविष्य की रणनीति बनाने पर फोकस करते हैं। नंबर 3, अमीर मेंटालिटी के लोगों के पास पेशेंस और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, वहीं गरीब लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता। वे चाहते हैं जल्दी से जल्दी अमीर बनना। दोस्तों, वास्तव में अमीर और गरीब के बीच का फर्क मनी से नहीं बल्कि वेल्थ से डिफाइन होता है। बेसिकली मनी और वेल्थ के बीच में एक डिफरेंस है। मनी आपके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उसे कह सकते हैं, जबकि वेल्थ पैसे की एक ऐसी कंडीशन है जो आपके पास में इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है जब आपको भविष्य में काम करने की जरूरत ही नहीं होती। कोई भी इंसान मनी रख सकता है, पर वेल्दी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल से ही हो सकता है। अमीर माइंडसेट के लोग ये जानते हैं कि कुछ भी शॉर्ट टर्म के अंदर रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो भी उनका माइंडसेट 20 से 25 सालों का होता है। यदि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो वो जानते हैं कि वो रातों रात अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए उन्हें पेशेंस रखना होगा। वहीं गरीब इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और उन्हें रातों रात अमीरी चाहिए होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि देश में कितने सारे ड्रीम 11 के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं? कितने सारे लोग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं? देश में ज्यादातर लोग जुए और सट्टे की लत से जूझ रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि केरला स्टेट का तकरीबन 13% रेवेन्यू, जो कि करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए है, लॉटरी से आता है। ये साबित करता है कि ज्यादातर लोगों का माइंडसेट शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का होता है। ज्यादातर लोगों के पास लॉन्ग टर्म विजन, गोल और पेशेंस नहीं होता। नतीजा वो अपने हाथ में आया हुआ पैसा भी गंवा देते हैं। यही फर्क है एक अमीर और एक गरीब माइंडसेट में। अमीर हमेशा पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। नंबर 4, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स। कभी गौर कीजिएगा किसी अमीर इंसान से बात करने का या फिर किसी अमीर इंसान की लाइफस्टाइल को देखने का, उनके पास एक सेट पैटर्न होता है। सबसे पहले अमीर एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढते हैं। इस स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग से आने वाले पैसे से ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को जनरेट करते हैं। गोल्ड में निवेश करना, जमीन खरीदना, दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टोस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर कोई और ऑनलाइन छोटा बिजनेस चलाना। किसी भी अमीर इंसान की मेंटेलिटी वाले आदमी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। वो कभी भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ये फर्क है एक अमीर और गरीब इंसान में। जहां पर कि गरीब इंसान एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट होता है, आप पाएंगे कि ज्यादातर गरीब मेंटालिटी वाले लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक सिंपल सैलरी जिसमें इतना पैसा हो कि उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो जाएं, ये इनके लिए सफिशिएंट होता है। जरा गौर कीजिए, पैंडेमिक के दौरान उन लोगों को सबसे बुरे हालात झेलने पड़े जिनके पास सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग थी। जॉब जाते ही उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं वो लोग जिनके पास अमीरों वाला माइंडसेट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग था, उन्हें पैंडेमिक ने हिट तो किया पर उतनी बुरी तरह से नहीं जितनी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग वालों के पास। और 5वां, सबसे आखिरी है, लगातार सीखते और एक्सप्लोर करते रहने की चाहत। आप देखेंगे कि ज्यादातर गरीब मेंटालिटी के लोग अपना खाली समय टीवी देखने, फन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में या फिर ऐसे कामों में लगाते हैं जिनका कोई क्रिएटिव आउटपुट नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर अमीर मेंटालिटी के लोग बुक्स पढ़ने, नए बिजनेसेस के बारे में जानने
नए स्किल्स सीखने, लोगों के साथ अपने नेटवर्क बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप इन लोगों को ऐसा समझते हुए पाएंगे जैसे ये 60 साल की उम्र में भी 20 साल के लोगों जैसी ही एनर्जी रखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हर समय इनसिक्योर होते हैं कि इन्हें पैसे की बहुत कमी है, पर क्या आप जानते हैं कि ये इनके अंदर की भूख लगातार कुछ नया सीखते रहने, अपने आप को और बेहतर बनाने की ये क्वालिटी ही इन्हें दूसरों से अलग करती है। जहां पर कि ये गरीब अपना खाली समय नॉन क्रिएटिव चीजों में लगाता है, वहीं एक अमीर मेंटालिटी का आदमी लगातार खुद को बेहतर बनाता रहता है। इसीलिए आप बहुत सारे सफल लोगों से एक कॉमन पॉइंट सुनते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। इसकी वजह यह है उनका माइंडसेट। ये लगातार खुद को बेहतर बनाते हुए, अपने आप को और ज्यादा नए स्किल्स सिखाते हुए दूसरों से बेहतर करते रहते हैं। नतीजा, इनके पास हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब माइंडसेट के लोग एक बार एक स्किल सीखने के बाद पूरी जिंदगी उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए कोई एम्बिशन नहीं होता, और नतीजा ये कभी भी उस पायदान पर नहीं पहुंच सकते जहां पर कि एक अमीर पहुंचता है। इनके पास वहां पर पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छाएं होती हैं, पर उसके पीछे करने के लिए मेहनत नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 माइंडसेट्स जो किसी भी एक गरीब इंसान को एक अमीर इंसान से अलग करते हैं। वास्तव में एक गरीब बहुत आसानी से एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल तक पहुंच सकता है, पर प्रॉब्लम है उसके माइंडसेट में। ना ही ये चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, और ना ही ये हमारी सोसाइटी में इजीली अवेलेबल हैं। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें सोचना कैसे है और अपनी सोच को और बेहतर कैसे करना है। ये हम खुद पर डिपेंड करता है। हमें खुद ही मेहनत से इन चीजों को सीखना, अपने जीवन में अपनाना और खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। आप में से वो लोग जो अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो इन चीजों को सीख सकते हैं, पर जिन्हें इन चीजों से सरोकार नहीं, वो पूरी जिंदगी एक एवरेज लाइफ बिताकर खत्म कर देंगे। इस तरह के सेशंस हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं, और अगर आप जिंदगी को बहुत क्लोजली देखेंगे तो आपको हमेशा ये कुछ ना कुछ सिखाते हुए मिलेगी। जीवन का मतलब है सीखना, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।